ई संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय अग्रवाल ने एक महिला के पेट से करीब 8 किलो की रसौली निकालकर उसे नया जीवन दिया है। इतनी बड़ी रसौली देख परिजन भी हैरान है। बताया जा रहा है कि महिला कसौली की रहने वाली है जो 48 वर्ष की है। खास बात यह है कि आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बना होने के चलते महिला के परिजनों को हॉस्पिटल में किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा। इससे पहले कई जगह उपचार करवाने के बावजूद भी महिला को आराम नहीं आ रहा था, लेकिन अब महिला की तबीयत ठीक है। डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि महिला के पेट में दर्द रहता था, जिसकी शिकायत को लेकर वह हॉस्पिटल आई थी। जांच के बाद महिला का ऑपरेशन किया गया, जिस पर महिला के पेट से करीब 8 किलो की रसौली निकाली गई। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा कई जगह उपचार करवाए जाने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला का स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने लोगों से आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाने की भी अपील की। ये पेशेंट थे हमारे पास निर्मला, और वो काफी समय से जो है पीड़ित थे, पेट में एक सूजन के करके वो हमारे पास आए थे। तो जगह जगह जाकर इलाज मतलब डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की गई, शिमला तक गए और कैंसर का जो है वो डाउट जो है उनको डाला गया। बहुत बड़ी एक रसौली जो है पेट में, रसौली नुमा जो ग्रोथ जो है वो पेट में पाई गई, और उसके बाद उनके सारे टेस्ट हुए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, तैयारी सब कुछ। तब भी जितने भी इन्वेस्टिगेशन था ये, उसमें ये डाउट यही था कि उसे कैंसर रहेगा, परंतु आज काफी उस दिक्कत को देखते हुए जो है, और खासकर धन्यवाद हम इन्हें भी करना चाहिए और हमें भी हम भी करते हैं सरकार का, कि आयुष्मान भारत के तहत जो है इस पेशेंट का इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त में हो पा रहा है। और प्लस क्या कहते हैं, आज जो है ये जो रसौली इसमें निकली है करीबन 7-8 kg की, 7-8 किलो की रसौली जो है उसमें निकल पाई है, और पेशेंट कम्प्लीटली बिल्कुल जो है ऑपरेशन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और आई थिंक पेशेंट को काफी रिलीफ। इस समय हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे जितने भी मरीज हैं जो लोग दूर दूर नहीं जा पाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी जाते हैं, सोलन में भी आते हैं, जगह जगह भी जाते हैं। और अब तो जैसे कि इनके पास हिमकेयर का कार्ड्स है, आयुष्मान के कार्ड्स हैं, सभी कार्डों के तहत जो है सब कुछ फ्री में सरकार ने भी मुहैया कराया है, और लोगों को जागरूकता भी आ गई है, और भी आ जानी चाहिए क्योंकि अब कार्ड्स जो है दोबारा से बनने भी शुरू होने वाले हैं। पीआरटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।